एचएस न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं पीएम मोदी। आज भगवान केदारनाथ के बाद कल बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर में करीब आधे घंटे तक की पूजा, उसके बाद विकास कार्यों का लिया जायजा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, पूजा के दौरान शाह के साथ उनका परिवार भी रहा मौजूद। चुनावी नतीजे आने से पहले विपक्षी खेमे में खलबली तेज, राहुल गांधी से मिलने के बाद लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश और बीएसपी सुप्रीमो मायावती से चंद्रबाबू नायडू ने की मुलाकात। अरविंद केजरीवाल का सनसनीखेज आरोप, कहा इंदिरा गांधी की तरह पीएसओ से मेरी हत्या करवा सकती है बीजेपी। आईओसी ने तेल की आपूर्ति के लिए यूएस से किया करार, सऊदी से कर रहा है कच्चे तेल का आयात, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजीव सिंह ने दी जानकारी। अमेजॉन के खिलाफ विकास मिश्रा नाम के युवक ने दर्ज कराई एफआईआर, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है आरोप, नोएडा के सेक्टर 58 थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार की हार, कहा चुनाव के 48 घंटे पहले तक सातों सीटों पर जीत रही थी आप, अंतिम समय में पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस में हुआ शिफ्ट। कैलाश सत्यार्थी ने ट्वीट कर साध्वी प्रज्ञा पर साधा निशाना, कहा गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या की, प्रज्ञा ने उनकी आत्मा की हत्या की। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में हुआ धमाका, धमाके में 2 लोगों की मौत, 14 घायल, तालिबान सहित किसी भी संगठन ने हमले की नहीं ली जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान कल, 7 राज्यों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, पीएम मोदी की किस्मत का फैसला कल। रोइंग के भारतीय खिलाड़ी दत्तू बाबन भोकनाल पर लगे उत्पीड़न के आरोप, पत्नी आशा दत्तू भोकनाल ने लगाए आरोप, एशियन गेम्स में भारत को दिला चुके हैं गोल्ड। लाल बहादुर शास्त्री पर बनी फिल्म द ताशकंद फाइल्स की राष्ट्रपति भवन में होगी स्क्रीनिंग, चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले की जाएगी स्क्रीनिंग। अभी सिर्फ शास्त्री जी के बारे में। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का फर्स्ट लुक हुआ जारी, फिल्म में ट्रांसजेंडर बनेंगे अक्षय कुमार, फिल्म 5 जून को होगी रिलीज। एचएस न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।